तो यहाँ हमारा एक पार्सल आया था तो ये गए थे बच्चों को छोड़ने, तो ये लेके आए नीचे से, बोले कि फ़ोन आया, तब तक वो आया था नीचे बैल बजा रहा था, तो ये बोले कि क्या है, तो बोला पार्सल है, तो बोले ठीक है मुझे दे दो मैं लेता जाऊँगा, तो फिर मैं ऊपर से पैसा गिराई, बोले पैसा गिरा रहा हूँ ले आना, तो बोले ठीक है गिरा दो नीचे पैसा मैं ले आ रहा हूँ, तो लेके आए। और इनको नहीं पता था, एक दिन हम लोग मीशो में देख रहे थे ये शर्ट, कई कलर थे पर ये कलर मुझे ज़्यादा प्यारा लगा, इनके पास था भी नहीं इस कलर का ऐसे डिजाइन का, तो मैं इनसे बोली कि ये शर्ट ले लो ये बहुत प्यारा शर्ट लग रहा है, तो बोले कि नहीं मुझे शर्ट नहीं लेना, बोले मैं मंगा दूँ, तो बोले नहीं तुम रहने दो, फिर इन्हें पता ही नहीं चला, मैंने ऑर्डर कर दी, मैं ऑर्डर कर दी और आ भी गया और खुश भी हुए, देख के शर्ट खुश हो गए, तो खुश हो गए तो मुझे भी खुशी मिली। मैं तो डर रही थी कहीं डांटे ना कि मैं तो मना किया और तुम क्यों ऑर्डर कर दी, तो पहने और खुश हो गए, मिली चलो खुश हैं कम से कम डांटे तो नहीं, तो अच्छा था बहुत अच्छा कपड़ा भी था। और ये तुलसी माता की पूजा करी हूँ तो प्रसाद है, तो एक तो इनके लिए ले आई हूँ, एक अपने लिए और बच्चों के लिए रख दी हूँ, तो यहाँ नहा धो लिए हैं पूजा कर लिए हैं तो खा रहे हैं, और मैं बच्चों के लिए रख दी हूँ, तो चलिए। आई होप आप सब अच्छे होंगे, राते राते तो यहाँ हमारा सारा काम आ चुका है, आज हम खाली हो गए जल्दी, सारे काम से फुर्सत हो गई, खाना भी आधे से ज़्यादा बन गया क्योंकि आज थी पूर्णमासी, तुलसी जी का पूजा करना था इसलिए जल्दी जल्दी काम हो गया, तो बस सब्जी रह गई है बनानी तो सब्जी बनाऊंगी, और पति देव गए हैं बच्चों को लेने, टाइम हो गया बच्चों को आने का तो गए हैं लेने, क्योंकि कल लेट हो गए थे, छोटू बोल रहा था पापा आप तो लेट आते हो मम्मी टाइम से आ जाती हो, तो इसलिए बोले जाऊँ नहीं तो छोटू चिल्लाएगा, क्योंकि छोटू पहले ही आ जाता है नीचे तो बैठा रहता है और हर से लेट आता है ऊपर से, तो इसलिए वो बोलता है कि मैं तो पहले ही आ जाता हूँ तो आप आ जाया करो मुझे ले लिया करो, भैया को बाद में लिया करो, तो गए लेने और मैं चलूँ सब्जी बनाऊँ, नहीं तो आएंगे तो खाना ही मांगेंगे दोनों बच्चे, तो मैं नहा तो ली थी पर पैर हाथ में कुछ लगाई नहीं, तो अभी वही बॉडी लोशन लगा रही थी, तो वाओ का है इसकी खुशबू बहुत अच्छी है मुझे, और छोटू भी ऐसे हाथ में लगा लगा के सूखता रहता है, इसे बोलता है मम्मी ये चॉकलेट जैसी खुशबू आ रही है इसकी, तो जो मेरे ब्लॉग में नए हो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना और लाइक ए वाली बटन ज़रूर दबाना, अंगूठे की निशान, वीडियो पूरा देखना, तो चलिए सब्जी बना के मिलते हैं आप लोगों से, नहीं तो बच्चे आ जाएंगे बोलेंगे मोबाइल में लगी पड़ी थी सब्जी अभी तक नहीं बनी, तो चलिए बना लेनी, डांट पड़ेगी बच्चों से भी और पति देव से भी, तो चलिए बना के मिलते हैं आप लोगों से। सब्जी छोटू की पसंद के बन रहे, इसमें है गोभी, गाजर, बीन्स,
बस एक चीज़ की कमी हो गई, शिमला मिर्च नहीं है और आलू है। शिमला मिर्च मैं भूल गई बोलने के लिए, उनसे लाने के लिए पति देव से। तो यहाँ मैं जल्दी जल्दी बना रही हूँ कि जल्दी जल्दी सब्ज़ी तैयार हो जाए, नहीं छोटू आ जाएगा तो बोलेगा मम्मी आज भी नहीं बनाई हूँ मेरी पसंद की सब्ज़ी। तो यहाँ मैं जल्दी जल्दी बनाने में लगी हूँ कि छोटू के आने से पहले मेरी सब्ज़ी बन जाए। तो यहाँ सब्ज़ी तो भुंज गई थी, हल्का पक भी गई थी आलू गोभी। तो मैं यहाँ मसाला डाल रही हूँ, हल्दी और काली मिर्च, गरम मसाला और लाल कश्मीरी मिर्च, क्योंकि धनिया पाउडर जो था ख़त्म हो गया है। धनिया ले आई हूँ खड़ी धनिया, और सोच रही हूँ बनाने के लिए धनिया पाउडर। तो रोज़ सोचती हूँ आज धूप में रख दूँगी पर भूल जाती हूँ। तो यहाँ मेरी सब्ज़ी तैयार ही हो गई, थोड़ा सा वो था। उसके बाद हम लोग खाना पीना खा के सो गए थे थोड़ी देर के लिए। और उसके बाद उठी तो हर्षित चाय बोला कि मम्मी मैं चाय बना रहा हूँ। तो बोली ठीक है बनाओ। तो ये भी थे साथ साथ में, जैसे ऊपर से डिब्बे उतार के दे रहे थे चाय पत्ती चीनी, और उसे अंदाज के बता रहे थे कि कितनी दूध डालने हैं, कितने पानी, कितने चाय पत्ती, कितनी चीनी। तो वो बना रहा था और एक खड़े थे वहीं, बोले कि मैं बना रहा हूँ तुम, मैं मीठा कम डालती हूँ इसलिए लोग मीठा ज़्यादा पीते हैं। तो यहाँ हम लोग चाय बिस्किट, ये बिस्किट जो मैं खाती हूँ इन्हें नहीं पसंद है, तो मैं अपना बिस्किट खा रही हूँ, बच्चे भी बिस्किट टोस्ट। उसके बाद हमने चाय पीने के बाद शाम को वीडियो नहीं शूट की, तो सुबह की वीडियो है। सुबह उठते ही बच्चे स्कूल चले गए थे, बच्चों के लिए लंच बना के दे दी हूँ। उसके बाद झाड़ू लगा रही हूँ क्योंकि आज मशीन भी लगाना है, तो झाड़ू जल्दी जल्दी झाड़ू लगा रही हूँ। ये गए हुए हैं बच्चों को छोड़ने, तो इन्हें कुछ काम था तो अपना काम निपटा के आएंगे बाहर से। तब तक मैं सोची कि झाड़ू लगा लूँ, अगर हो सकेगा तो पोछा भी लगा लूँगी, पर मशीन लगाऊँगी तो पोछा लगा दूँगी तो फिर ऐसे ही पानी पानी फैलेगा सारे रूम में। तो सोच रही हूँ झाड़ू लगा लूँ और कुछ काम कर लूँगी, सब्ज़ी वगैरह काट लूँगी, उसके बाद देखूँगी। तो यहाँ मेरी झाड़ू लग गई है, बस यही बाहर कूड़ेदान रखा है तो उसमें ये कचड़े डालना है उठा के। तो देखते रहिए ब्लॉग में, बने रहिए। झाड़ू लगाने के बाद मैं मशीन लगा दूँगी, तब तक कपड़े, जब तक ये आएंगे कपड़े धुलते रहेंगे। और जैसे मशीन मैं लगाई उसमें से कपड़े, जो उसमें पहले से ही कपड़े, बच्चों के कपड़े थे रोज़ जो पहनते हैं डेली, तो निकाली, तब तक ये आ गए। बोले दो मैं पानी इस मशीन में डाल दूँगा, लगा दूँगा, तुम घी बना लो। बोले ठीक है। तो मैं ये पानी डाल दिए थे तो, और मैं सर्फ वर्फ डाल के चला दी हूँ, और ये बालकनी धो रहे हैं और यहाँ मैं घी बनाने के लिए रखी हूँ। तो मैं कई दिन से सोच रही थी नहीं बना पा रही थी, मैं सोची आज बना लूँ, और घी भी ख़त्म हो गया था, रोटी लगाने के लिए नहीं था। तो यहाँ मैं घी बनाने लगी, और तो देखिए इतने सारे मक्खन निकले इसमें से, हमारे एक महीने के लिए इसमें से घी निकल आएगा। तो पराठा हम लोग घी से नहीं बनाते, और सर्दी में तो और घी से पराठा बना दो तो, अगर गरम गरम खा लो तो सही है, नहीं तो ठंडा हो जाता तो सूखा सूखा पराठा हो जाता। तो हम लोग रिफाइंड से पराठा बनाते हैं, इससे नहीं बनाते घी से। और जैसे रोटी में लगा के खाते हैं दाल में, और सब्जी बनी है सब्जी में डाल के खाते हैं, वैसे पराठा नहीं बनाते घी से, रिफाइंड से ही बनाते हैं। मेरी वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, और प्यारा प्यारा कमेंट करना, अपना आशीर्वाद देना। और चलो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, प्यारी सी वीडियो के साथ आप लोगों से।